नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी भूरा गुलिया भारत मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में नेत्र चिकित्सक हूँ। आज हम बात करेंगे सिर के दर्द की एक कॉमन समस्या जिससे लगभग हम सभी कभी ना कभी जूझते रहते हैं। तो कई बार हमने ये देखने में आया है कि मरीज़ सीटी स्कैन, एमआरआई या बड़े बड़े टेस्ट करा कर आ जाते हैं, और जबकि उनके सिर के दर्द का कारण एक नज़र में कमी होना और जिसका एक चश्मा देने से निवारण हो जाता है। तो आइए हम जानते हैं कि सिर के दर्द के आँखों की वजह से क्या क्या मुख्य कारण हो सकते हैं। सबसे पहले, जैसे कि हमने अभी बात करी, नज़र में कमी होने की वजह से भी आँखों में और सिर में दर्द लगातार रह सकता है, जिसके लिए हमें अपने नज़दीकी नेत्र चिकित्सक से मिलकर और चश्मे का नंबर प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा कारण है काला मोतिया। काले मोतिये में आँख का प्रेशर बढ़ जाने की वजह से भी आँखों में और सिर में लगातार दर्द रह सकता है। तीसरा मुख्य कारण है माइग्रेन की समस्या। माइग्रेन में लगभग आधे सिर में दर्द रहना, आँखों के आगे दर्द के समय धुंधलापन दिखाई देना, जी मचलाना, ये समस्याएं हो सकती हैं। और चौथा मुख्य कारण मानसिक तनाव या थकान भी हो सकता है। और एक और कारण आँखों में सूखापन रहने की वजह से भी लगातार सिर में दर्द बना रह सकता है। तो यदि आपको सिर में दर्द रहता है, लगातार रह रहा है, तो अपने नेत्र चिकित्सक से मिलकर परामर्श लें व इसका निवारण प्राप्त करें। धन्यवाद।